झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक नई पहल करते हुए राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर गुलाबी रंग के सीट कवर लगाए गए। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि इन सीट कवरों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो भी लगा हुआ है। इस पहल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और गति मिलेगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर बेटियों को और महिलाओं को एक अलग चीज़ मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया था कि वो देखो कि जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा जिसमें संकटग्रस्त स्थिति में होती हैं, तो बस में अगर वो सफ़र करती है जो डेली अप डाउन कर रही हैं या दो लंबा ट्रेवल कर रही हैं, वो बसेज में खड़ी हैं और दूसरे साथी बैठे हैं, तो उनको हमने एक अलग लुक दिया जिससे हर आदमी ही खुद ही शंका करते हुए उन सीटें पे बैठे नहीं और वो महिलाओं को मिले। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस उपलक्ष्य में सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे झुंझुनू ज़िले में आज झुंझुनू जिला अनेक बालिकाओं के क्षेत्र में बहुत से इनोवेशन करता है, उसमें 22वां इनोवेशन ये हम लोग कर रहे हैं। आज रोडवेज बसों में आगे की सीटों को हमने गुलाबी रंग में रंगा है ताकि इसको विशेष पहचान दी जा सके। साथ ही सैनिटरी नैपकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फ्लैगशिप योजना है उड़ान योजना, उसके तहत निशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। खेतड़ी और झुंझुनू आगार की जो बसें हैं उसमें जो भी महिला सीटें आरक्षित हुआ करती थी उन सभी को हमने एक अलग कलर के सीट कवर से हमने उसको अलग पहचान दी है ताकि ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि ये महिला सीटें हैं और इन पे महिलाओं को ही बैठना है।